हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए बिहार के अंदर इन दिनों राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, उसी को लेकर के हमने एक ओपिनियन पोल किया है। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। सबसे सटीक सर्वे में आपको बताऊँगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें वर्तमान स्थिति में जीत रही है और गठबंधन का जो स्वरूप बदला है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से RJD से हाथ मिलाया है और NDA अकेले पड़ गई है, तो इसमें तमाम तरीके के सवालों के हमने जवाब भी पूछे हैं, बहुत सारे सवाल भी लिए हैं। तो चलिए आपको बताऊं कि लोकसभा की जो 40 सीटें हैं बिहार की, वर्तमान में स्थिति क्या बन रही है, कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन कितनी सीटें यहाँ से जीत सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा जो है कि नीतीश कुमार से अलग होकर पूरी सीटें जीतने में सफल हो पाएगी, पिछली बार की तरह जो है कि 40 में 39 सीटें उसे गठबंधन जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो सवाल हमने लिए हैं। चलिए हम बात करें अब गठबंधन के वर्तमान स्वरूप की, तो इस समय कुल टोटल 164 विधायक है जो महागठबंधन के साथ हैं। अपोजिशन की बात करें तो 77 BJP और अन्य में एक विधायक MIM के साथ है। तो देखिए आप गठबंधन का स्वरूप आपको दिख रहा है, RJD, JDU, कांग्रेस, CPI ML, हम, CPI, CPIM, तो इतने सारे दल जो है कि अभी एक साथ गठबंधन में जो है, वहीं BJP इस समय यानी BJP का गठबंधन अकेले, यानी BJP अभी अकेले है, उसके साथ अभी कोई भी गठबंधन में नहीं है। आने वाले समय में जरूर BJP कुछ दलों को, छोटे दलों को मिलाकर अपना गठबंधन का स्वरूप बड़ा कर सकती है, NDA को वहां पे आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अभी का जो स्वरूप है इसमें महागठबंधन के साथ काफ़ी दल आए हैं। नीतीश कुमार और RJD के हाथ मिलाने से महागठबंधन अभी के स्वरूप में काफ़ी मजबूत BJP के अगेंस्ट दिखाई पड़ रहा है। चलिए इस पोल में हमने ऑनलाइन ओपिनियन पोल कुछ लिया था जिसके नतीजे आपके सामने रखता हूँ। हमने सबसे पहला सवाल किया था मुख्यमंत्री के रूप में इनमें से आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं। पहला ऑप्शन हमने दिया था तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, BJP के नेता और अन्य का, जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया है, तेजस्वी प्रसाद को 46%, वहीं नीतीश कुमार को 27%, BJP नेताओं को 25% और अन्य को 2% लोगों ने पसंद किया, यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ग्रुप में इस समय सबसे ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन ओपिनियन पोल में वोटिंग किया है। देखिए इसके बाद जो दूसरा सवाल हमने ऑनलाइन ओपिनियन पोल में लिया था, दूसरा सवाल जो काफ़ी चर्चा में है, क्या नीतीश कुमार को देश की राजनीति में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर बिहार से बाहर देश की राजनीति में आना चाहिए ऐसा कहने वाले, हाँ कहने वाले 58% हैं। 58% लोगों का कहना है कि हाँ उनको जरूर जो है कि बिहार के बाहर जो है कि देश की राजनीति में इंटर करना चाहिए, वहीं नहीं कहने वाले 28% हैं और कह नहीं सकते ऐसा बोलने वाले 14% लोग हैं। यानी ज़्यादातर लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार को बिहार के बाहर अपना राजनीतिक जो है कि परचम जो है कि लहराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारा प्रधानमंत्री को लेकर था, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे चुनेंगे, ऐसा मेरा सवाल था जिसमें नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अन्य का ऑप्शन हमने रखा था। और यहाँ पे ऑनलाइन ओपिनियन पोल जो बिहार को लेकर हुआ था और उसमें हम बात करें तो नीतीश कुमार के पक्ष में 43% लोगों ने वोट किया, नरेंद्र मोदी के पक्ष में 39, राहुल गांधी के पक्ष में 13% और अन्य के पक्ष में 5% लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग किया। तो सबसे ज़्यादा जो बिहार के अंदर जो है कि नीतीश कुमार को लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में पसंद किया। अगला सवाल हमने लिया था लोकसभा चुनाव 2024 में आप किसका समर्थन करेंगे। देखिए इसमें महागठबंधन, NDA और अन्य का ऑप्शन हमने दिया था। महागठबंधन के पक्ष में 57% लोगों ने वोट किया, वहीं NDA के पक्ष में 38% लोगों ने वोट किया। आदर्श की बात करें तो आदर्श के पक्ष में 5% लोगों ने वोट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन ओपिनियन में 57% लोगों ने कहा कि वो महागठबंधन या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ हैं। चलिए अब बिहार में लोकसभा के सीटों की बात करेंगे, हमारे ओपिनियन के अनुसार कौन सी पार्टी या गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। तो चलिए हम सीटों की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महागठबंधन की। देखिए महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में प्रमुख घटक दल जो हैं RJD, JDU और कांग्रेस, CPI, CPM और अदर कई पार्टियां हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो महागठबंधन में RJD जो 18 लोकसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में है, वहीं JDU की बात करें तो JDU 10 सीटों पर मजबूत स्थिति है। अन्य की बात करें तो अन्य में कांग्रेस, CPI, ML और अन्य पार्टियां हैं जो मिलकर जो है कि 4 सीटें जीत सकती हैं। तो महागठबंधन के देखें तो यहाँ पे महागठबंधन इस समय टोटल जो है कि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि 18, 10 और 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। तो इस तरीके से महागठबंधन के खाते में टोटल जो है कि 32 लगभग सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, यानी 32 सीटों पर महागठबंधन मजबूत है। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की, तो 40 लोकसभा सीटों में
8 सीटें ऐसी हैं जहां सामाजिक राजनीतिक समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, यानी बीजेपी को लोकसभा में 8 सीटें वर्तमान में मिल रही, यानी बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब से आरजेडी और जेडीयू ने हाथ मिलाया है तब से लोकसभा के नतीजे और समीकरण बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी के खाते में फिलहाल 8 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, यानी 40 में से 32 सीटें महागठबंधन और 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए मजबूत स्थिति में फिलहाल है।